कई लोगों के साथ में मेरा काफी दिनों से काफी लोगों से निजी परिचय भी है, तो उन सबका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौलाना शेख असगर अली साहब, इमाम उमर इलिया साहब, सैयद अब्दुल कादर कादरी वहीद पाशा साहब, आचार्य लोकेश मुनि जी, परमजीत सिंह जी, मनजीत सिंह जी, मोहम्मद महामंडलेश्वर श्री प्रज्ञानंद जी, महामंडलेश्वर श्री प्रज्ञानंद जी क्षमा कीजिएगा, स्वामी चक्रपाणी जी, फादर डॉक्टर एम जी थॉमस साहब, बौद्ध आचार्य यशी फुनसुक जी, श्री पुष्प दंत जी आर्ट ऑफ लिविंग से, परमजीत सिंह जी, तो मैंने नाम उनका आ चुका था पहले, और मौलाना सैयद मोहिद्दीन अशरफी साहब, मौलाना सैयद हसन मलहदी साहब, मौलाना अमीर रश्दी साहब। मैंने अभी अभी हमारे शहजादा नसीम जनाब नसीरुद्दीन चिश्ती साहब को सुना, उन्होंने एक बहुत ही चंद शब्दों में इसकी अहमियत, इसकी जरूरत और इसकी सामयिकता का वर्णन किया है। दुनिया के अंदर में एक अजीब सा माहौल, कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर अपनी चीजों के लिए इस चीज को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजहती जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है, और इस रफ्तार से जो तरक्की है इसका जो लाभ होगा वो हर मजहब का, हर धर्म का, हर उसके हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उससे फायदा होगा। लेकिन कई अनासिर, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावटें पड़ती हैं। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासिर की आवाज लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज है, और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शहजादा नसीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर जमीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा, और अपने अंदर अगर कुछ गलत फहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा, अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर खवातीन को, समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करे कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिस पे हमें फख्र है, जहाँ पर हर धर्म स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक को वो कर सकता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर उन्होंने वो किया, और इस देश की तरक्की और इस देश को आगे बढ़ाने में उन सब का एक बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, मेरे एक अजीज दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये वाकया बताया था कुछ वक्त पहले कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सेंस में जिहाद वर्ड कब शुरू हुआ, कब इस पॉलिटिकल सेंस के अंदर में मुस्लिम्स ने ये वर्ड कब यूज किया। तो ऐसा था कि 1915 के लगभग अफगानिस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के कुछ उलेमाओं ने, 6 उलेमाओं ने जाकर एक प्रोविजनल सरकार बनाई एक्साइल में,
और उसकी पूरी गवर्नमेंट बनी। उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, डिफेंस मिनिस्टर था, और वो सारे उलेमाओं ने मिलकर उसके जो प्रेसिडेंट था वो राजा महेंद्र पाल सिंह को बनाया। यानी जिहाद तो था, जिहाद था बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, विदेशी उसके खिलाफ, लेकिन जिहाद का मतलब ये नहीं था कि ये किसी धर्म के खिलाफ था। शहर में करेंगे क्योंकि वक्त की जरूरत है। जो रेडिकलिज्म की तरफ हमारे युवा बढ़ रहा है, हमारे आम नागरिक बढ़ रहे हैं, उनको रोकने की, उनको समझाने की सख्त जरूरत, उनको गाइडलाइन करने की बहुत सख्त जरूरत है। उनको समझाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, और ये काम धर्मगुरुओं से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान एक धार्मिक मुल्क है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर धर्मगुरु से जुड़ा रहता है, और हर धर्मगुरु के शिष्य अनुयायी लाखों की तादाद में रहते हैं। तो अगर धार्मिक स्थलों से और धर्मगुरु इसके अंदर अपना आगे बढ़कर के योगदान दें तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, इफेक्टिव होगा ग्राउंड लेवल पर। अब वक्त कंडेम करने का नहीं रहा। हम हर कोई घटना होती है, कुछ भी काम होता है, कुछ भी गलत होता है, तो हम कंडेम करते हैं। कंडेम का वक्त नहीं है, अब है कुछ करके दिखाने का। अब हमें ग्राउंड पे जाकर के काम करना पड़ेगा, कंडेमनेशन से काम नहीं चलेगा। ये वक्त की जरूरत है कि जितनी रेडिकल फोर्सेस, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हिंदुस्तान में अपने पैर पसार चुकी और हमारे मुल्क की अमन अमान की फिजा को खराब करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर कमान कैसे करी जाए, उन पर बैन किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, इंक्लूडिंग में अभी मौजूदा दौर में जो नाम आ रहा है पीएफआई का, चाहे वो हो चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो। हम चाहते हैं अगर उनके खिलाफ एविडेंस हैं तो दे शुड बी बैन, स्ट्रिक्टली बैन। और हम धर्मगुरु एक बीड़ा उठाएं, एक अहद करें कि हम इस मुल्क को ना तो बढ़ने देंगे और ना ही रेडिकल फोर्सेज के आगे झुकने देंगे। इसी मकसद को लेकर हमने आप तमाम लोगों को यहां बुलाया है। आपके ख्याल जानने की कोशिश शहर में करेंगे क्योंकि वक्त की जरूरत है। जो रेडिकलिज्म की तरफ हमारे युवा बढ़ रहा है, हमारे आम नागरिक बढ़ रहे हैं, उनको रोकने की, उनको समझाने की सख्त जरूरत, उनको गाइडलाइन करने की बहुत सख्त जरूरत है। उनको समझाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, और ये काम धर्मगुरुओं से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान एक धार्मिक मुल्क है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर धर्मगुरु से जुड़ा रहता है, और हर धर्मगुरु के शिष्य अनुयायी लाखों की तादाद में रहते हैं। तो अगर धार्मिक स्थलों से और धर्मगुरु इसके अंदर अपना आगे बढ़कर के योगदान दें तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, इफेक्टिव होगा ग्राउंड लेवल पर। अब वक्त कंडेम करने का नहीं रहा। हम हर कोई घटना होती है, कुछ भी काम होता है, कुछ भी गलत होता है, तो हम कंडेम करते हैं। कंडेम का वक्त नहीं है, अब है कुछ करके दिखाने का। अब हमें ग्राउंड पे जाकर के काम करना पड़ेगा, कंडेमनेशन से काम नहीं चलेगा। ये वक्त की जरूरत है कि जितनी रेडिकल फोर्सेस, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन यहां पर हिंदुस्तान में अपने पैर पसार चुकी और हमारे मुल्क की अमन अमान की फिजा को खराब करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर कमान कैसे करी जाए, उन पर बैन किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, इंक्लूडिंग में अभी मौजूदा दौर में जो नाम आ रहा है पीएफआई का, चाहे वो हो चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो। हम चाहते हैं अगर उनके खिलाफ एविडेंस हैं तो दे शुड बी बैन, स्ट्रिक्टली बैन। और हम धर्मगुरु एक बीड़ा उठाएं, एक अहद करें कि हम इस मुल्क को ना तो बढ़ने देंगे और ना ही रेडिकल फोर्सेज के आगे झुकने देंगे। इसी मकसद को लेकर हमने आप तमाम लोगों को यहां बुलाया है। आपके ख्याल जानने की कोशिश